देखो आपके पास एक नए तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है ये भी बच्चों, ये टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, टफ नहीं है। अरे नहीं है टफ, रो क्यों रहे हो, चुप जाओ, टफ नहीं है। आपसे कह रखा है कि एसएन जो है वो एन टर्म का सम है किसी एपी का, जिसको आप इस फॉर्मेट में दिए हुए हो। आपसे कह रखा है एनथ टर्म बताओ, तो देखो आपको पता होना चाहिए ये है एन टर्म का सम और आपसे एनथ टर्म पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ये ऐसे चलते 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 ये आपके पास 10 है, तो एक तो होता है 10 टर्मों का सम और एक होता है सिर्फ 10वीं टर्म, तो आप कैसे निकालोगे 10वीं टर्म। तो एक काम करो, आपके पास 10 टर्मों का सम दे रखा जिसको आपने एस 10 कह रखा, यस, तो 10 टर्मों के सम में से अगर मैं 9 टर्मों का सम करूं और उसको माइनस कर दूं तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास, अगर आप माइनस करते हो 10 टर्मों के सम में से 9 टर्मों का सम माइनस करते हो तो सिर्फ सिर्फ आपके पास 10वीं टर्म रह जाएगी। तो मैं कहूंगा यस, ये रह जाएगी 10वीं टर्म, जिसको आप T10 भी कहते हो या A10 भी कहते हो। तो तरीका आपको समझ में आ गया, आपके पास nth टर्म का सम का फॉर्मूला दे रखा, तो एक काम कर लें आप उससे पहली वाली टर्म तक सम देखें कितना बैठ रहा है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर जो है एस एन दे रखा आपको, कितना ये दे रखा, तो आप एस एन माइनस वन तक का सम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस के 3n-1। तो ये हो जाएगा n-1 तक का सम। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एस एन में से माइनस कर दो एस एन माइनस के वन, तो ये निकल कर आ जाएगा ए एन एनथ टर्म, बस यही आपको करना। तो एस एन कितना है आपके पास, एस एन दे रखा 5n² प्लस के 3n माइनस एस एन माइनस वन, कितना आपके पास 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस के 3n-1। सॉल्व कर लो और आंसर पा लो, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस के 3n माइनस के 5, ऐसे रहेगा, इसको खोलेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे तो n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2n प्लस के 3n माइनस के 3, 5n² प्लस के 3n माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस के 5 माइनस के 10n प्लस के 3n माइनस के 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5n² प्लस के 3n, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5n², ठीक है। 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेंगे प्लस के, लेकिन ये माइनस जाकर के माइनस के 2 कर देगा उसको, ठीक है भाई। ये माइनस के 10n था, ये प्लस के 3n था, तो माइनस के 7n, ये माइनस उधर जाएगा उसका प्लस का 7n कर देगा। सोल्व कर लो, अब इससे ये ख़त्म हो गया पूरा पूरा, 7n ये है, 3n ये है, तो 10n हो गया आपके पास, 10n और ये माइनस के 2 बचेगा, 10n-2 है क्या कहीं, 10n-2, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कहीं ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट को समझना था, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। थैंक यू।